पिछले मैं घर से निकले थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए, मेरे साथ मेरे सिस्टर थी और दो बैग थे। तो मैं जब घर से महपालपुर रेड लाइट पहुँचे तो थ्री व्हीलर का इंतज़ार कर रहे थे। 5 मिनट के अंदर एक कैब आया, तो कैब में ऑलरेडी 4 लोग बैठा हुआ था और हमारे पास और 2 लोग थे, तो उन लोग को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था। तो हम चढ़ गए, चढ़ने के बाद वो 20 मिनट नहीं रुकेंगे ये बात बोला। तो मैंने बोला ठीक है, फिर चले गया मैं धौलाकुआ तरफ। तो मैंने पैर फर्स्ट बोला धौलाकुआ में मुझे उतरनी है, तो कह रहे पहले तो मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है, फिर चले गया उसने एम्स हॉस्पिटल से NIA मार्केट होके चला जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है उधर से चलो, मेरे टाइम 7 बजे की थी। तो फिर थोड़ी देर बाद में मुझे बोला जी ये गाड़ी चेक हो सकता है, तो आपके पास क्या क्या सामान है वो बता देना। तो मैंने बोला मेरे पास कैश है और मेरे साथ जो थे तो उन लोग के पास भी कैश था, तो उन लोग भी बताया। और जब NIA सफदरजन हॉस्पिटल पहुँचे तब सफदरजन की लेफ्ट साइड में उसने बता रहा है जी एक इनवेलप में ये पैसा सारे डाल के रखो, ये लो कलर की एक इनवेलप में। तो फिर हमने उसमें डाल के रखे हूँ, जब लेफ्ट नहीं लिया तब मुझे शक हुआ जी ये कोई किडनैप तो नहीं कर रहा है। फिर हमें लेफ्ट नहीं लेके आश्रम वाला रोड पे ले गया, तो फिर उसी टाइम में मुझे अटैक कर लिया। तो दोनों हाथ पकड़ के मुझे बोला जी तुम्हारे पास क्या क्या सामान है सारे निकालो, और मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड था डेबिट कार्ड थे, तो वो सारे ले लिया, लेके उस इनवेलप में डाला, डाल के रख दिया। रख के मुझे थोड़ी देर 2 मिनट के बाद में मुझे मारने का धमकी दिया। मतलब उस टाइम मेरे सिस्टर को सब ज़बरदस्ती मतलब करने के बाद फिर हमें धक्का देके निकाल दिया दोनों को। धक्का देके निकालने के बाद जब मैंने वो इनवेलप मुझे रिटर्न कर दिया, तो इनवेलप खोल के देख रहा हूँ जब उसमें कुछ भी नहीं है, तब तक ये गाड़ी छोड़ चुके थे। और मैं जब फ़ोटो खींचने स्टार्ट कर दिया तब उनकी बैक साइड दरवाज़ा को खोल दिया, जब मैं फ़ोटो ना खींच पाऊँ।